डीडी किसान बदलते भारत की शान। मैंने 12वीं की परीक्षा में स्टैन किया है। क्या? हाँ माँ। हाँ, सच सच सच। बेटा। पढ़ने के लिए मद्रास जाना चाहते हो? मैं इंतजाम कर पाऊंगा कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे, इसमें समझ आने ना आने की क्या बात है? चंद्र कर इतना कुछ किया है, ये भी करना पड़ेगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनूं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, लेकिन अब और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बस मेरे मद्रास जाने के लिए और उसके एडमिशन के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। वहां जाके मैं खुद काम ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। हाँ हाँ बेटा, तो जरूर पढ़ोगे। हाँ, खुद को बेचना भी पड़ेगा तो मैं बेच दूंगी, फिर भी तुझे पढ़ाऊंगी। दूसरों के घर में नौकरानी के काम भी करूंगी, फिर भी तुझे पढ़ाऊंगी। हाँ बेटा, तू पढ़ोगे। हाँ? जब तक मैं जीवित रहूं, तुझे पढ़ाऊंगी। बिना पढ़ाए मैं मरूंगी नहीं। हाँ बेटा, मैं मरूंगी नहीं। दिन सुबह से ही उनकी तबीयत खराब थी। मैंने खाना बनाकर लाई, लेकिन उन्होंने नहीं प्रसन्न हुआ है, वो ठीक से चल पाएगा कि नहीं? उसके पिता उसके साथ गया है,
गांव के गरीब किसान दिल्ली के मशहूर दफ्तर से ठीक से बयान कर पाएगा कि नहीं? तुम शांत रहो मालती, आप कुछ तो खाइए, धीरे धीरे हो सही, खाने की कोशिश तो कीजिए। मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे भाग में खाना नहीं लिखा है, जाते समय उसे ठीक से देख भी नहीं सका। मालती, क्या हुआ मालती? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मालती, चाची, मालती, चाची, मालती, चाची, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? चाची, मालती, मालती, चाची, चाची, मालती, चाची। तुम्हारे ना होने के कारण गांव वालों ने मुखाग्नि का दायित्व तो मुझे सौंपा। मैंने केवल पंचों का निर्देश का पालन किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। सिंतस्तब्ध हो गई थी, इंद्रियों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। इतनी दुखद हादसे ने मुझे कुछ सोचने समझने लायक नहीं छोड़ा था कि कुछ फैसला ले सकती। फिर सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया और पंचों की आज्ञा के अनुसार मुखाग्नि कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना कमल। तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रुक रुको रुको रुको, आ आ आ, अच्छा, आ आ आ, मालती, चाय लीजिए। फार्मेसी से दवा ले आना, अस्फीर मेरे कलेजे में दर्द बढ़ रहा है। एक बार शहर जाकर अच्छा डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कितना दर्दनाशक दवा खाते रहोगी? कोई जरूरत नहीं है, दवा से ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही केस वेस के कारण दर्द होता है कभी कभार, उसके लिए शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस बार कमल को पढ़ाई करने के लिए शहर भेजना है। हाँ मालती, हमारा जैसे गरीब आदमी को जिंदा रहना ही पाप है। अब उन्हें कमर तोड़ दिया। रहने दीजिए, किसी तरह जिंदा तो हूँ, किसी का तो कुछ बिगाड़ा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी सी कमजोरी ही है,
ठीक, मैं कुछ देर बाद फार्मेसी से दवा ला लूंगा, अभी मैं नहा लेता हूँ। हाँ आप नहा लीजिए, मैं कुएं पर आपका धोती और गामोसा रख दिए हैं। ठीक। चाचा जी। हा? अरे मैना, कहाँ से आ रही हो? हमारे आत्मा सहायक गोद की एक बैठक थी चाचा, वहीं से आ रही हूँ। कल आप लोग दिल्ली से आए लेकिन मैं आप लोगों की खबर लेने नहीं आ पाई। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे माता पिता कल से ही तो हमारे साथ लगा हुआ है, तुमने भी अच्छी योजना शुरू की है। ऐसे तो आजकल का लड़का बच्चा गांव का लिए सोचता ही नहीं। केवल गांव की उन्नति नहीं चाचा, हम जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमारी भविष्य ही नहीं बनेंगी। हमें हमारी संपदा की रक्षा हेतु कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा, और सरकार भी इन सब के लिए सुविधा प्रदान करते हैं चाचा। अच्छी बात है ये, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोगों का शुभकामनाएं। मैं तो इसी कोशिश में हूँ चाचा, इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। कमल है ना चाचा? अरे मैना, तुम कब आई? मैं भी यही हूँ। अच्छी बात है। जाओ जाओ अंदर जाओ, मैं तो अभी खेत से लौटा हूँ, जरा नहा धो लूँ। ठीक है चाचा। जाइए चाचा, अब नहा कर आइए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, फिर सब लोग मिलकर पिएंगे। ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मैना, आओ अंदर आओ। चलो। कमल, कमल सुनते हो? मत जगाओ रानी, सोने दो। क्या से क्या हो गया, होने वाला था कुछ और ये क्या हो गया? चलो हम लोग रसोई घर चलते हैं। चलो। कमल चल तो सकता है ना रानी? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिन तक रेस्ट करने के लिए कहा है और ज्यादा जोर देने के लिए भी मना किया है। चलो अच्छा है, सब ठीक हो गया। वैसे तुमने भी काफी कष्ट सही है, कभी घर गए हो कि नहीं? कैसे जाती घर, यहीं पे हूँ। कमल के दिल्ली जाने के बाद चाचा भी दिल्ली चले गए और तब से मैं यहीं पे हूँ। घर पर छोटा भाई अकेला रहता है, हर रात में उसको ही यही बुला लेती हूँ। वो आता है कि नहीं? संकोच करता है लेकिन आता है। तुम चाय पियो, मैं चाचा को देकर आती हूँ। चाचा चाय। आज तुम्हारा भाई आएगा ना रानी? क्या पता, आने के लिए तो बोला था। आज मन ठीक नहीं लग रहा है, वो आने से उसी को बाजार भेजता। अच्छा ये मैंने कुछ चाय दिया? हाँ देकर आई हूँ, वो रसोई में ही है, मैं भी वही जाती हूँ। मैं भी यहाँ चली आई। अरे ठीक क्या, बैठो बैठो मैना, बाहर बैठकर ही अच्छा लगता है। मैना। हाँ चाचा। तुम अपने सब की रानी को काम पर नहीं लगा सकती? मैं काम क्यों? आखिर तुम भी हमारे साथ कब तक लगे रहोगी? ठीक है चाचा, रानी हम लोगों के साथ ही काम करेगी। हम गांव के सारे लड़कियां और औरतें मिलकर एक कारखाना खोलेंगे, रानी भी हम लोगों के साथ ही रहेगी। बस अब दोबारा ऐसी बात नहीं होना चाहिए। ठीक। आप लोग अपने आप को अकेला मत समझिए चाचा, कोई आपको कुछ कहा है क्या? गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और मेरे मम्मी पापा तो और भी गुस्सा करेंगे आप पर। तुम्हारी माता पिता के साहस में मैं अब तक जिंदा हूँ। तुम्हारे पापा और मैं एक साथ स्कूल में पढ़ा था, मैं पढ़ने में गाधा था इसीलिए फेल करता था, और तुम्हारा पापा पास करता था, तभी तो मैं किसानी रह गया और तुम्हारा पापा सरकारी नौकरी वाला। हाँ। आप भी ना चाचा क्या क्या बोलते रहते हैं। हाँ मैं ना, तुम्हारी पापा की भरोसा के साथ ही तो मैं जी रहा हूँ, कोई भी बात हो तो उससे विचार विमर्श करता हूँ। अरे कोई तो है जो अक्सर मेरी खुशखबर रखता है और उसी ने पैसा देकर मुझे दिल्ली भेजा है, ऐसा मित्र आसानी से नहीं मिलता। काफी पैसे खर्च हुए हैं शायद कमल के ऑपरेशन में। हाँ काफी खर्च हुआ, सब हरिराम कराने ने दिया है, काफी सहायता किया उसने भी।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सहायता करना होगा गोपाल, सहायता करने से ही वो हम पर विश्वास करेगा और हमें पूरे गांव वासियों का विश्वास हासिल करना होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें उसका विश्वास जितना आवश्यक है। आप हमें हुकुम दीजिए, हम हर काम के लिए तैयार हैं। देखो गोपाल, केवल काम करने से नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना होगा। ये जो गांव के नाम पर सरकारी फंड आता है, उस पैसे को सरकाना होगा, उसका व्यवस्था में कर लूंगा। कमल के पिता को तो मैं अपना हाथ में रखूंगा, ऐसे भी वो मेरा हाथ में ही है। 4 लाख रुपया खर्च हुआ है कमल के इलाज में, क्या मैंने इतना रुपया ऐसे ही खर्च किया है? मैं त्रेतायु का राम नहीं जो दूसरे के भलाई के लिए अपना सब कुछ लुटा दूं। मैं तो वो हरामी हूँ जो अपना बाप कभी ना छोड़ू। सर, कालू आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो कालू, क्या कहना चाहते हो? अरे बोलो, चुप क्यों हो? अरे कालू, अगर कोई शंका है उसका समाधान अवश्य करना चाहिए। सर, गांव की सारे औरतें एकजुट होकर एक योजना बनाई है आत्मनिर्भर होने की। अच्छा, उन लोगों का उद्देश्य क्या है? पोलू बचाने की। पोलू की कीड़ों को बचाकर उनसे स्वयं कपड़े बनाएंगे, मतलब एरी मुगा कपोर का उड्डुक लगाएंगे। सभी औरतें आत्मनिर्भरशील होंगे और नारी शक्ति जागृत करेगी। अच्छी बात है, उन लोगों ने ऐसा सोचा है तो सोचने दो और आगे बढ़ने दो। उन लोगों के योजनाओं में हमें सहायता करना होगी। लेकिन कैसे सर? पैसों से कालू, पैसों से। कुछ भी ऐसा करने से उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी और हम उन्हें पैसों से मदद करेंगे। अगर सभी औरत एकजुट हो गए तो एकजुट हो गए, नहीं एकजुट हो गए हैं। ज्यादा सोचो मत कालू, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उन सब पर नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई तुम्हारा शत्रु है तो उसका दुर्बलता को पता करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। मालूम है, आसान नहीं है, मुझे मालूम है, फिर भी आसान समझ लेना चाहिए। किसी काम को अगर तुम कठिन समझ लोगे तो कई काम नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रत्येक काम को आसान समझना चाहिए। सर की बातों में एक नया जोश आती है, ऐसे लगता है कठिन से कठिन काम हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। अरे क्या हुआ सचमुच? मेरे लिए इतना आसान नहीं है। औरत नारी शक्ति, और नारी शक्ति जब जागती है तो नारी नारी नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है। शक्ति मतलब दुर्गा काली। सर बुरा मत मानिए, परंतु उन लोगों का नेता और लक्ष्य दमदार है, उद्देश्य भी बड़ा है। उन लोगों के दिल में साहस और संकल्प भर गए हैं। कौन है उन सब का नेता? सर मैना। मैना मतलब? अरे ये बताओ, किसकी बेटी, किसकी पत्नी और कहाँ रहती है? पत्नी का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। और रही कहाँ की, वो तो यही का है, मंदिर के पास ही उसका घर है। अरे सर, रमेश की बेटी मैना। मंदिर के पास? हाँ सर। अच्छा, लगता है कोई आया है। वही तो, जाकर देखो तो कौन है। ठहरो, मैं देखता हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्कार। अरे केरानी बाबू, आज अचानक मेरे घर में? दोपहर में आने वाला अतिथि को दामोदर देव के सम्मान मनाया जाता है, शायद मुझे भी आज उस सम्मान मिलेगा। अरे बाप रे बाप, मेरा ही सौभाग्य। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैना। मैना? मैना कौन? मेरा बेटी है। एग्जैक्टली, मैं भी उसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा है, वो घर पे है। जी पापा। मैना,
या तुमसे मिलने आया है? ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो बातें करनी थी तुमसे। कैसी बातें? यही कि तुम लोग कुछ आत्म सहायक गोत नाम से एक संस्था बना रही हो इस गांव के महिलाओं के लिए, क्या ये सच है? बस शुरुआत किया है, आपको तो पता ही है अपना गांव पोलू के लिए मशहूर है। बाहर के आदमी आकर एरी मुगा के कीड़े वाले पेड़ काट कर लेके जाते हैं और कपड़े तैयार करके पैसे कमाते हैं। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग उसका संरक्षण करेंगे और कपड़े भी खुद ही तैयार करेंगे, तभी जाकर यहाँ की औरतें आत्मनिर्भरशील तथा स्वावलंबी हो सकेंगे। किंतु इन सब के लिए पैसों की जरूरत अवश्य पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम लोगों को मैं सहायता कर सकूँ। अरे ये तो अच्छी बात है, हमारे काम की शुरुआत में ही। तुम एक काम करना, कीड़ो को पकड़ने के लिए आदमी मैं लगाऊंगा, वो तुम्हें कीड़ो पकड़ करके दे देगा। जी। और उन कीड़ो से सूता निकलवाने के लिए जिस यंत्र की जरूरत पड़े, हाँ, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप बहुत दयालु है किरणी बाबू, इस गांव के लिए आपने बहुत कष्ट किए हैं। देखिए, एक विभाग में नौकरी करके यदि जनता के कल्याण के लिए ना सोचूंगा तो किसके लिए सोचूंगा? मैं इस गांव का नहीं हुआ तो क्या हुआ, नौकरी तो इस गांव के लिए कर रहा हूँ ना, इस नाते इस गांव के लिए कुछ कर जाऊं तो अच्छा लगेगा। सच, कमल के लिए भी आपने बहुत कष्ट किए। वो तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ही उसे। फिर भी कमल की पढ़ाई के लिए आपने काफी पैसा खर्च किए। मैना, तुम लोग उसे पढ़ने भेजोगे? हाँ जी, वो कल ही जाएंगे। बहुत अच्छा, फिलहाल मैं चलता हूँ। जा रहे हैं? अरे चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, इस समय मैं चाय नहीं पीता, उम्र का लिहाज तो रखना ही पड़ता है, तभी तो इस तरह मेंटेन करके रखा है अपने आप को। तो जैसे मैंने कहा है वैसे ही काम होगा। जी ये अच्छा है। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। भला आदमी लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भला आदमी है, कोई बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है, इसके अंदर भी कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होगा। नहीं, ये मेरा शक है। वैसे बिना जाने किसी को गलत कहना ठीक नहीं है। अब मैं नहा धो लेता हूँ, बलराम का घर एक बार जाना होगा। हेलो, चिड़ियों को फंसाने के लिए पहले दाना डालना ही पड़ता है। सर मैं समझ गया। मेरा मिशन का काम शुरुआत हो गया है। बलराम की जमीन, रानी की जमीन और सूर्य आत्म सहायक को सब मेरे कब्जे में। चाचा जी घर पे नहीं है क्या? नहीं, हरिराम किरानी के पास गए हैं, कुछ जमीन जायदाद के कागजात दे आए थे और दस्तखत वगैरह भी करना है, सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के बाद है, वही पूछने गए हैं। कागजात आदि देकर आए हैं, लेकिन कब हो गया? दो चार महीने। मुझे मालूम नहीं है सब, मुझे पता भी नहीं चला। की
अजब कदम।